राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी रसोई में जिसका नाम है सत्तू। वैसे तो ये खाने वाले भी बनते हैं और पीने वाले भी बनते हैं। मैं आपके लिए पीने वाले सत्तू की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। उसके लिए हमें एक टमाटर चाहिए, एक प्याज चाहिए और नींबू चाहिए। और ये मैंने तवे पे हींग जीरा भूंज लिया है। और मसालदानी के थोड़े से बेसिक मसाले चाहिए। आप प्याज को बारीक ही काटना, जितना हो सके आप चॉपर या उससे चॉप मत करना, क्योंकि उसका रस निकलता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है प्याज का। और टमाटर भी आप बारीक काटना इस तरह से। ये देखिए, कटा हुआ धनिया, ये देखिए हमने तीन चारों चीज़ें अपनी ले ली हैं। ये हैं, वैसे तो सत्तू कई तरह के होते हैं पर ये भुंजे हुए चने के सत्तू हैं। ये काला नमक, ये मैंने आइस क्यूब ली हैं, बर्फ़ के टुकड़े। सबसे पहले हम गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। उसके बाद आपको अगर कम बनाने हैं तो छोटा बर्तन लेना, ज़्यादा बनाने हैं तो बड़ा बर्तन। और आप इसे अपने हिसाब से डालना, क्योंकि कोई ज़्यादा गाढ़े पीता है कोई कम। और ये पानी डाल दीजिए। अब इन सब इसमें काला नमक जाएगा, स्वाद अनुसार काला नमक। टमाटर कटा हुआ, प्याज, धनिया, अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। ध्यान रखना, आप नींबू के बीज मत इसके अंदर जाने देना। अगर नींबू के बीज चले जाएंगे तो फिर करवाटपन मुंह में आ जाएगा, इसलिए नींबू के बीज आप निकाल के फेंक देना। अब जो हमने ये जीरा और हींग भूंजी थी ना, उसको हाथों से मसल के या फिर आप वैसे भी पीस के और इसमें डाल देना। इससे इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और इन सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी मसालदानी में से आप लाल मिर्च भी डाल देना, ज़्यादा मत डालना क्योंकि ये ज़्यादा तीखे अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा ही तीखा खाते हैं तो बात एक अलग है। अब मिर्च डाल के इसको एक लास्ट मिक्स दे देंगे। ये देखिए, हमारे यूपी स्टाइल सत्तू बिल्कुल इस चिलचिलाती गर्मी में पीने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी ड्रिंक के पास बनाने के लिए। उसमें सबसे पहले हम दही लेंगे। ये मेरे घर का जमा हुआ दही है। क्योंकि भाई अगर किसी को नमकीन पसंद नहीं है तो उसको मीठा भी तो चाहिए इस चिलचिलाती गर्मी में। इसमें स्वाद अनुसार आप चीनी डाल लेना। अब इसको आप, अगर आपके पास, मेरे पास तो ये रई है, इसमें आप वैसे मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं, पर जो रई से स्वाद आता है ना वो मिक्सी से स्वाद नहीं आता है। मैंने चीनी मिला ली है। अब इस स्टेज पे इसमें हम रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। रूह अफ़ज़ा इसके स्वाद में
चार चांद लगा देगा। और इसको तब तक आप मिलाइए जब तक इसकी चीनी घुल ना जाए। ये देखिए, इसमें भी मैं आइस बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा पानी। इस स्टेज पे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि हमारे यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी, इसलिए मैं नहीं डालूंगी। ये देखिए, हमारा कुछ ही मिनटों में हमारे दो दो पीने के लिए ड्रिंक बिल्कुल तैयार हैं। अब चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारी दही की लस्सी रूह अफ़ज़ा वाली बिल्कुल तैयार है। और ये हमारी यूपी स्टाइल सत्तू पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इन दोनों में से कोई भी ड्रिंक अगर एक पी लेंगे तो आपको 2-3 घंटे तक तो भूख नहीं लगेगी। हाँ, और इसमें आप लस्सी में थोड़ी मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई से भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, जैसा कि मैंने बाद में डाल दी है, पहले मुझे ध्यान नहीं रहा था। और आप इन दोनों में से कोई भी ड्रिंक पी लें, आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी और उसके साथ आपके पेट में ठंडक भी रहेगी। ये लीजिए, आज मदर्स डे है तो आप पहले मीठा पीना पसंद करेंगे या नमकीन? चलिए मैं आपको सबसे पहले मीठा ही पिलाती हूँ। और मेरी तरफ से आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं। और ये लीजिए नमकीन भी, सत्तू भी आप टेस्ट कीजिए, यूपी स्टाइल सत्तू कैसे बने हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार अपनी रसोई में अवश्य बनाएं। और यहाँ पे मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करके जाएं, देखने के बाद उसको ऊपर ना कर दें वीडियो को।